करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और हमारे चैनल स्प्रेटली अनीता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो कच्चे आम के गलका की रेसिपी है, जिसे आम की लौंजी भी बोलते हैं। ये वही चटपटी सी और खट्टी मीठी लौंजी है जिसे आपने कभी न कभी तो एक बार ज़रूर चखा होगा, और अगर नहीं चखा है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये डिलीशियस सी रेसिपी बच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम का गलका। इसे कैसे बनाएंगे और इसमें क्या सामग्रियाँ पड़ती हैं, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, चटपटा और खट्टा मीठा आम का गलका बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कच्चा आम। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ताजे और हरे आम लिए हैं। सबसे पहले तो हम आम को धुल लेंगे और धुल कर कॉटन के कपड़े से पोंछ लेंगे। आम पर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम सभी आमों को चाकू की सहायता से इसी तरह छील लेंगे। आम का गलका बनाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो हम आम लेंगे वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, हल्का सा पका हुआ और मीठा होना चाहिए, तभी हमारा गलका अच्छा और टेस्टी बनेगा, नहीं तो गलका हमारा बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। आम हमारा छिलकर तैयार हो गया है, अब हम इसको कट करेंगे। आम को हम इसी तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे, क्योंकि गलने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और साइज में भी छोटे हो जाते हैं। इसी तरह हम पीसेस में आम को काट लेंगे। इसी तरह हम सारे आम को काट कर तैयार करेंगे। अब हम कढ़ाई को कर लेंगे गरम। गरम करने के बाद कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले खड़ी धनिया, काली मिर्च, सौंफ, लौंग, जीरा, मंगरेल, सबको चलाते हुए भूनेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन भुनने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। जब हमारा मसाला 5 मिनट ठंडा हो जाए, इसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद मसाला हमारा तैयार है। फिर से हम कढ़ाई को गरम करके तेल डालेंगे। तेल हमारा अच्छी तरह गरम हो जाए, इसके बाद हम डालेंगे एक चुटकी हींग, 2 से 3 तेज पत्ते, छोटी इलायची पिसी हुई, लाल मिर्च, मंगरेल, मेथी, सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह हल्का सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने के बाद हम कटे हुए आम के पीसेस को डालेंगे और चलाते हुए फ्राई करेंगे। 8 से 10 मिनट तक हम आम को हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आम हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे गुड़, चीनी, हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ मसाला, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, काला नमक, सभी चीज़ों को मिलाकर एक बार फिर से हम इसे चलाएंगे।
और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब हम आम को 5 मिनट तक ढककर लगाकर पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, अब ढककर हटाएंगे और आम हमारा तेल छोड़ दिया है और सूखा हो गया है, इसीलिए हम इसमें 3 कटोरी लगभग पानी डालेंगे ताकि आम हमारा अच्छी तरह पक जाए। और चलाते हुए इसको एक बार फिर से ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन हटाएंगे। गलका हमारा लगभग पक कर तैयार हो गया है। इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे। ग्रेवी वाला चटपटा सा आम का गलका हमारा तैयार है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जैसे किशमिश और काजू। डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब हम गलके को किसी सर्विंग ट्रे में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो चटपटी खट्टी मीठी आम गलका की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।